ये भी है आपके ऊपर चार्ज लगाते हैं कि आप इंस्टीट्यूशन जितनी भी हैं एकेडमिक उनका सेफरनाइजेशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को बता रहे हैं, लिबरल लोगों को निकालते चले जा रहे हैं, उसमें कितना सच है? सच नहीं है, तो कितने भी अपॉइंट किए लोग आपने मेरिट पे अपॉइंट किए हैं, पूरा मेरिट पे किए, उनका बैकग्राउंड आरएसएस या बीजेपी का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, आरएसएस बीजेपी होना कोई संविधान में गुना है क्या? हमने मेरिट को ध्यान दिया। ये बैठे हैं प्रोफेसर सच्चिदानंद महांती, ये हमारे वाइस चांसलर रहे उड़ीसा की एक यूनिवर्सिटी में, ये तो आरएसएस की हाफ पेंट तो नहीं पहने होंगे कभी। मैं जितना जानता हूं उनके बारे में, तो अरविंद के अनुजाई है, तो अरविंद स्कूल में पढ़े हुए व्यक्ति थे, उनको हमने नहीं पता किया कि आपके कहना है। अच्छा, आपकी मैं तो 25 एग्जाम्पल बता सकता हूं। मैं तो मेरे सामने संजोग से महांती साहब यहां बैठे, तो मैं इनको उदाहरण दिया, मैं तो बहुत दिनों के बाद उनको मिला। ऐसे नहीं है, देखो अच्छे लोग आते हैं सर, हम मेरिट पे लाते हैं, हम मेरिट पे लोगों को विश्वास करते हैं। बाकी देखो, ये सारा विषय पे जहां तक आप मेरे को ले जाना चाहते हो मैं वहां जाने वाला हूं, और मणिशंकर जी के सामने मैं कैसे जाऊंगा, वो भी नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं तो आपसे आप ये मैं आपसे फिर यहां आनंद रंगनाथन है, मैं तो बैलेंस में चल रहा हूं कि अजी कुछ आज तो कुछ लोग पूछ, मैं पूछ लेता हूँ कि मैं थोड़ा उम्र भी बड़ा हूँ, आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, बड़े भाई हो आप, थोड़ी लिबर्टी, क्योंकि उनके आप ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस या बीजेपी के होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है अच्छी पोस्ट के लिए अगर मेरिट पे आते हैं। मैं आरएसएस का हूँ। नहीं, आप तो पॉलिटिकल पोस्ट पे हैं, क्या असुविधा है पॉलिटिकल पोस्ट? एकेडमिक पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी महंती साहब है। हाँ, तो आपका कहना है कि आरएसएस बीजेपी भाई इसमें सारे इसमें परहेज क्यों है? मनीष शंकर जी की एक विचारधारा, मेरे को आज डेमोक्रेसी में हैव टू रिस्पेक्ट दैट, उसमें गलत क्या है इसमें कहने में कि आप बीजेपी, जैसे प्रमोद महाजन सिंह से मैंने सवाल पूछा था, क्योंकि आप उनके उनसे मैंने सवाल पूछा कि आप टेलीकॉम में सबको आरएसएस बीबीपी के लोगों को रख रहे हैं, कि उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस को रखूंगा क्या? तो मैं आपसे पूछा हूं कि आप उस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, देखो मेरे ऊंचाई नहीं है, मैं स्वर्गीय सर प्रमोद महाजन जी की तरीके से उत्तर दूं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है, देखो विचारधारा सबकी अलग अलग होगी ही, इसमें कोई दोराय नहीं है। मैं आपको आज के एकेडमिक्स में 25 लोगों को गिना सकता हूं शायद, जो आप स्केल लेके घूम रहे हो कि आरएसएस बीजेपी, शायद उस स्केल में वो फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन दे आर गुड पीपल, उनको रहना ही चाहिए। देश के हित में जो है वो सही व्यक्ति है, वो कांग्रेस का हो, वो उनको नेहरू जी को मानते हैं तो स्वागत है, हमें क्या आपत्ति है? ये डेमोक्रेसी है, हमें देश की विकास के लिए जिन लोगों की सहमति है उनको हमें महत्व देना चाहिए। एक दोबारा बताऊं, एक वो तो एक सिद्धांत बहु बैठे हैं, ये हमारे चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर देश की रहे, अभी रिटायर करके आए गए ना सिद्धांत बाबू भुवनेश्वर, ये तो कभी बीजेपी के मेंबर नहीं रहे होंगे, ना इनकी धर्मपत्नी बैठी, वो तो कभी बीजेपी में नहीं थी। देखो हम मेरिटोक्रेसी में हमारी सरकार चलती है, हम ये जो कुछ मित्रों को जिनको डेमोक्रेसी में डिफीट होता है ना, उनको कुछ बहाना ढूंढता है हमको गाली देने के लिए, ये क्यों इसको ले आया, उसको क्यों ले आया, उसको क्यों ले आया, ऐसा नहीं है। प्रतिभा और गुण के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देश के साथ जो सहमत है, देश के विकास के लिए जो कमिटेड है, उनको हम महत्व देते हैं, और प्रक्रिया में सब लोग आगे आते हैं। ये एक वो शायद ये पुराने नैरेटिव हो गया है प्रभु जी, और कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा हमको थोड़ा टाइट करने के लिए।